अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद सिकोवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रुकनपुरा मोहल्ला अफजल खान के घर के पास फास्ट फूड इंस्पेक्टर वीएस कुशवाहा ने हलवाइयों की दुकान पर मारा छापा तो अन्य हलवाइयों में मचा हड़कंप। फास्ट फूड इंस्पेक्टर वीएस कुशवाहा ने आज सिकोवा रुकनपुरा मोहल्ला में स्थित कुछ हलवाइयों की दुकान से सैंपल लिया और हलवाइयों के यहाँ अनेकों प्रकार की मिठाई तैयार की जा रही है। रक्षाबंधन त्यौहार को देखते हुए फास्ट फूड विभाग ने छापामारी कार्रवाई का निर्णय लिया, जिससे हलवाइयों द्वारा बनने वाला घेवर, सोनपापड़ी एवं अन्य मिठाइयों के अंदर मिलावटी चीज़ों का प्रयोग तो नहीं किया जाता तथा किसी भी हलवाई के यहाँ मिलावटी व इंजेक्शन के द्वारा तैयार की गई अगर मिठाई पाई जाती है तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज किए जाने के दिए निर्देश। देखिए इंडिया लाइव न्यूज से अंकित कुलशेष की यह रिपोर्ट। इस सिकोहाबाद में रुकनपुरा एरिया है, वहाँ पर सोनपापड़ी और घेवर का कारोबार हो रहा है बनाने का, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है, इसमें डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अफजाल नाम के व्यक्ति हैं, वो अपने घर में, उनका परिवार भी इसी में रहता है, इसी में सोन पापड़ी बना रहे हैं। सोन पापड़ी में बेसन बिल्कुल नहीं है, लेकिन बेसन जैसी दिख रही है। मैदा, चीनी, रिफाइंड पाम ऑयल, इन ऑयल से बनी हुई सोन पापड़ी है। तो घेवर बना रहे हैं, जो घेवर में मैदा और वनस्पति है, और साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रख रहे हैं, और बिना पंजीकरण, बिना लाइसेंस के कारोबार, अवैध कारोबार चल रहा है, इसलिए इनको कारोबार बंद करने के लिए निर्देशित किया गया है और दो नमूने लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद इनके विरुद्ध मुकदमा किया जाएगा।